हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी शेयर करूंगी चिकन नूडल्स कटलेट्स की। इसे चाइनीज़ कटलेट्स भी कहते हैं। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये एक यमी टी टाइम स्नैक्स है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चे और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो आइए देखते हैं चिकन नूडल कटलेट्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप चिकन मिन्स लिया है। चिकन के पीसेस को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 1 कप मैंने नूडल्स लिए हैं, इसे मैंने थोड़े से ऑयल और नमक के साथ बॉयल कर लिया है। 1 कप दूध लिया है मैंने, थोड़ी सी हरी धनिया ली है और 4 हरी मिर्च ली है। मिर्च का क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टीस्पून मैंने बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ ली है और 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। 1 अंडा लिया है और 1/2 कप मैंने ब्रेड क्रम लिया है। इन दोनों का इस्तेमाल मैं कोटिंग में करूंगी। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और 1 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे बारीक कट कर लिया है। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप उसका इस्तेमाल करें। उसका हरा पार्ट और वाइट पार्ट दोनों का इस्तेमाल करें, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर नहीं है तो आप इसमें रेड प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं चिकन नूडल कटलेट्स कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन को ऐड करके इसे गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। उसके बाद हम चिकन मिन्स ऐड कर देंगे, चिकन का कीमा जो मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिया है। बोनलेस चिकन के पीसेस को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसका कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। अच्छी तरह से चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और नमक और काली मिर्च ऐड कर देंगे। नमक अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। ये हमारा चिकन अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम गैस पर वापस से एक पैन रखेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो उसमें 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे और जब हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैदा ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर हम इसके कच्चापन दूर होने तक हम इसे भून लेंगे। लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर होने तक हमें इसे भूनना है। ये हमारा मैदा भुन गया है। अब मैं इसमें 1 कप दूध ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी लंप ना रहे। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। मैदे और दूध का घोल तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसे चिकन ऐड कर देंगे, नूडल्स ऐड कर देंगे, हरी धनिया और हरा मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर कम लगे तो आप और ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम कटलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे मिक्सर को फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब आइए हम इसे अपने कटलेट्स को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ब्रेड क्रम को मैंने प्लेट में फैला लिया है और अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम हाथ में ऑयल लगाएंगे और छोटा छोटा पोर्शन लेके हम इसे कट का शेप देंगे। मैंने इसे गोल फ्लैट शेप दिया है, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, नहीं तो ये अंदर तक कुक नहीं होगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। ये मैंने 2 कटलेट्स बना लिए हैं, ऐसे ही हम सारे कटलेट्स को बना लेंगे। ये मेरे सारे कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे।
उसके बाद ब्रेड क्रम में हम इसको अच्छी तरह से उलट पलट कर चारों तरफ से अच्छी तरह से हम इसे कोट कर लेंगे, जिससे पूरा ब्रेड क्रम इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम में अच्छी तरह से रोल करते हुए हम इसे कोट कर लेंगे। ये मैंने सारे कटलेट्स को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब आइए हम इसे डीप फ्राई करते हैं। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है, उसमें ऑयल डाला है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके अपने कटलेट्स को इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और दोनों साइड से इसको उलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक हम इसे कुक करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखिए, जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, कितना अच्छा नाइस गोल्डन कलर आया है इस पे। अब हम इसे एक पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे। ये मैंने कटलेट्स को एक पेपर नैपकिन पे निकाल लिया है। ऐसे ही हम सारे कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। ये मैंने सारे कटलेट्स को फ्राई कर लिया है। आइए अब इसे सर्व करते हैं। ये हमारा यमी टेस्टी डिलीशियस चिकन नूडल्स कटलेट्स बनकर तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पे सर्व करिए। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाएं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।